गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी हैड रेड सेफ्टी रूल्स वाइल वी आर ऑन रोड, वाइल इन व्हीकल एंड ऑन प्लेग्राउंड। हमने जब हम रोड पर हो, जब हम किसी व्हीकल किसी गाड़ी के अंदर हो, या फिर जब हम किसी प्लेग्राउंड पर हो, इन तीनों जगह के हमने सेफ्टी रूल्स को पढ़ लिया है। Today we will continue our lesson while in school. While in school means जब हम school में हो तब हमें कौन से safety rules को follow करना चाहिए। Do not run in corridors. Do not run in corridors. Corridors means वो गलियारा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो हमें कॉरिडोर्स में रन मीन्स दौड़ना नहीं चाहिए। यू मे हीट सम वन, हीट मीन्स टक्कर मारना, तो तुम्हारे दौड़ने की वजह से हो सकता है कि किसी को टक्कर लग जाए, कोई टकरा कर नीचे गिर जाए, उसे कोई ज़्यादा चोट लग सकती है, इसलिए हमें कॉरिडोर्स में दौड़ना नहीं चाहिए। Do not jump or run on staircase. Staircase means सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों पर हमें दौड़ना नहीं चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए, हमें सीढ़ियों पर आराम से चढ़ना और उतरना चाहिए। Never jump over chairs and desk. कभी भी chairs और desk पर jump नहीं करना चाहिए। हो सकता है जब हम चेयर या डेस्क पर जंप करें तो हम नीचे गिर जाएं और हमें चोट लग जाए। डू नॉट बेंड ओवर द विंडोज। विंडो मीन्स खिड़की, तो खिड़कियों से हमें बाहर नहीं झुकना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या करना है हमें। फील द करेक्ट कलर्स इन ट्रैफिक लाइट्स। यहाँ पर आप ट्रैफिक लाइट देख सकते हैं, यू कैन सी ट्रैफिक लाइट हियर। आपको इस ट्रैफिक लाइट में यहाँ पर इनके अंदर कलर्स करना है, ये सभी वाइट कलर के हैं तो आपको इनको कलर करना है। Which represent the instructions mentioned below. और हर कलर का कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, तो आपको वह वहाँ पर करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पे लिखा हुआ है This color says to stop. तो आपको इस फर्स्ट वाले के अंदर कौन सा कलर करना है, जिस कलर का मीनिंग क्या होता है, स्टॉप। जो कलर ट्रैफिक लाइट में स्टॉप का साइन होता है, हमें यहाँ पर वो कलर करना है। नेक्स्ट इज दिस कलर सेज टू वेट। जो कलर वेट करने का साइन होता है, वह हमें सेकेंड वाले में करना है। और थर्ड दिस कलर सेज टू गो। और जिस कलर का मीनिंग होता है गो मीन्स अब चलो, तो वह कलर हमें यहाँ पर करना है। तो किस कलर का मीनिंग होता है टू स्टॉप? टू स्टॉप मीन्स रेड कलर। रेड कलर जब हमें ट्रैफिक लाइट में दिखाई देता है तो उसका मीनिंग होता है रुकना, स्टॉप। वेट करने के लिए आता है येलो कलर, तो हमें सेकंड वाले में येलो करना है। फर्स्ट में रेड, सेकंड में येलो, और थर्ड में टू गो मीन्स चलने के लिए ग्रीन कलर होता है, तो हमें यहाँ पर ग्रीन कलर करना है। ठीक है, ये आपको करना है। नाउ तनीषा, तनीषा कहती है तन्मय वुड यू टेल मी समथिंग अबाउट सेफ्टी एट होम। तनीषा कहती है तन्मय क्या तुम मुझे घर पर सेफ्टी के लिए कुछ बताओगे। समथिंग मीन्स कुछ, तो कुछ चीज़ें बताओगे तुम मुझे सेफ्टी के लिए। देन
तन्मय सेज, फिर तन्मय कहता है, डेफिनेटली सिस्टर आई एम कमिंग टू दैट टॉपिक टू। तो तन्मय कहता है कि ज़रूर मैं उसी पॉइंट पर, उसी टॉपिक पर आ रहा हूँ। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाइल एट होम, जब हम घर पर हो। डू नॉट जम्प ओवर बेड और सोफास और चेयर्स। तो जब आप घर पे हो तो आपको ओवर बेड मीन्स बेड पर, सोफे पर और चेयर्स पर आपको जंप नहीं करना है। अगर आप जंप करते हैं तो इट मे कि आपको चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक और नाइफ और ब्लेड। मैच स्टिक मीन्स माचिस, तो आपको माचिस, चाकू या कोई भी नुकीली चीज़ों से आपको घर पर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नाइफ़ का मीन्स चाकू का यूज़ करना भी है तो आप खुद यूज़ ना करें, आप घर में किसी बड़े को कहें, वह आपका काम कर देंगे। डू नॉट प्ले ऑन टेरेस, टेरेस मीन्स छत पर, तो छत पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। अगर आप छत पर हैं तो आपको वहाँ पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन टू इलेक्ट्रिक सॉकेट एज यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक। आपको कभी भी आपकी फिंगर्स को इलेक्ट्रिक सॉकेट में नहीं डालना चाहिए। इलेक्ट्रिक सॉकेट मीन्स जब हमारा स्विच बोर्ड होता है वहाँ पर, जिसके अंदर, जिस सॉकेट में हम लोग पिंस लगाते हैं, ठीक है, वो जो सॉकेट के अंदर हमें कभी भी अपनी उंगलियाँ टच नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि हमें वहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक मीन्स बिजली का झटका लग जाए। नेक्स्ट, डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ बेयर फीट और वेट हैंड्स। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मीन्स बिजली से चलने वाले जितने भी उपकरण होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बोला जाता है। तो आपको कभी भी जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं उन्हें विथ बेयर फीट, बेयर फीट मीन्स बिना चप्पल जूते के, और वेट हैंड, वेट मीन्स गीला, या तो आप जब आपके हाथ गीले हों, जब आपने पैरों में कुछ भी नहीं पहन रखा है, तब आपको किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, बिजली से चलने वाले उपकरण को टच नहीं करना चाहिए। नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल वायर, कभी भी किसी भी वायर को भी टच नहीं करना चाहिए। इट मे कॉज इलेक्ट्रिक शॉक एंड मे प्रूव फेटल। तो बिजली का जो वायर होता है, इलेक्ट्रिकल वायर, उसे टच करने से हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक मीन्स बिजली का झटका लगे, और इट मे प्रूव फेटल मीन्स, फेटल मीन्स होता है जानलेवा, और यह चीज़ जानलेवा भी हो सकती है। तो अभी हमने ऊपर जितने भी पॉइंट्स पढ़े उन सभी को हमें फॉलो करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें घर पर चोट ना लगे। नाउ तनिषा सेज, तनिषा कहती हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर तन्मय। प्राउड ऑफ यू मीन्स मेरे भाई तन्मय, मुझे तुम पर गर्व है। यू पे गुड अटेंशन इन क्लासेस, यू पे गुड अटेंशन मीन्स तुम क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ते हो। तन्मय एंड तनिषा हैड रीच्ड देयर होम सेफली बाय नाउ। और अब तन्मय और तनिषा दोनों अपने घर पर सेफ पहुंच चुके थे। रीच मीन्स पहुंचना, तो दोनों अपने घर पर सेफ पहुंच चुके थे। दे हग्ड ईच अदर, हग मीन्स गले मिलना, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। एंड एंटर्ड देयर होम, और अपने घर में एंटर किया। इफ सेफ्टी रूल्स आर नॉट फॉलोड, अगर, इफ मीन्स यदि, सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो इट कैन रिजल्ट इन इंजरी, एक्सीडेंट और इवन डेथ। अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं
तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें इंजरी मींस कोई चोट लग सकती है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर इवन डेथ मींस या फिर किसी की मौत भी हो सकती है अगर हम सेप्टेडोज को फॉलो नहीं करते हैं तो। टाइम टू रीलर्न, पूरे चैप्टर को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सेफ्टी मींस टू कीप वन सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर। सेफ्टी का मतलब होता है कि वन सेल्फ मींस अपने आप को किसी भी तरह के डेंजर से सुरक्षित रखना। सेफ्टी रूल्स आर इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प अस टू बी सेफ। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं जो कि हमें सेफ रहने में मदद करते हैं। सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड ऑल द टाइम एट ऑल द प्लेसेस। सेफ्टी रूल्स को हर जगह, ऑल द प्लेसेस मीन्स हर जगह हर समय फॉलो करना चाहिए। देयर आर डिफरेंट सेफ्टी रूल्स फॉर डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेस के लिए अलग अलग सेफ्टी रूल्स होते हैं। जैसे अभी हमने लेसन में पढ़ा, प्लेग्राउंड के लिए अलग सेफ्टी रूल्स हैं, जब हम गाड़ी में हैं, व्हीकल में हैं, तब अलग सेफ्टी रूल्स, होम, स्कूल, रोड, सभी के लिए अलग अलग सेफ्टी रूल्स होते हैं। इफ़ सेफ्टी रूल्स आर नॉट फॉलोड, इट कैन रिजल्ट इन इंजरी, एक्सीडेंट और इवन डेथ। अगर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाए तो हो सकता है कि कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी की डेथ हो जाए, मौत हो जाए। सो आई होप नाउ यू विल फॉलो सेफ्टी रूल्स। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे। वी विल डू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। हम इस लेसन की एक्सरसाइज पार्ट को अगली क्लास में करेंगे।